इस वीडियो में हम देखेंगे एम सी के यूज ऑन डायोड एंड इट्स विद क्वेश्चन नंबर इलेवन फॉर अ सिलिकॉन डायोड द बैरियर पोटेंशियल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू तो सिलिकॉन डायोड के लिए बैरियर पोटेंशियल होता है अराउंड जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है अराउंड जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फॉरवर्ड बायस डायोड जब आप फॉरवर्ड बायस में डायोड को लगाते हो तो ये एनोड होता है डायोड का और ये होता है कैथोड ठीक है एनोड को देते हो पॉजिटिव पोटेंशियल और कैथोड को देते हो नेगेटिव सो so, इसका आंसर हो जाएगा टू फॉरवर्ड बायस डायोड द एनोड वोल्टेज मस्ट बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है एनोड पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन क्रिस्टल इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग तो सेमी सिलिकॉन क्या है एक सेमीकंडक्टर है सेमीकंडक्टर में कौन सी बॉन्डिंग होती है कोविलेंट बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड और इस बॉन्डिंग को कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स बायस डायोड एक्ट लाइक तो जब आप डायोड को रिवर्स बायसिंग देते हो रिवर्स बायस में लगाते हो तो वो ओपन स्विच की तरह एक्ट करता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती रिवर्स बायस के केस में ठीक है इट एक्ट्स इट एक्ट्स लाइक अ ओपन स्विच नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जीना डायोड इज नॉर्मली जब हम जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं तो कौन सी बाइसिंग होती है उस समय उसकी रिवर्स बाइसिंग जनरली क्या होता है जीना डायट को हम किस में यूज़ करते हैं रिवर्स बाइस के केस में यूज़ करते हैं ठीक है थीके? तो रिवर्स बाइस के केस में हम हम उसे एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं और अगर हम उसे फॉरवर्ड बाइस दें तो वो नॉर्मल डायोड की तरह एक्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर अ जर्मेनियम डायोड बैरियर पोटेंशियल इज़ तो जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होता है जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ लोडेड जीनर रेगुलेटर द सीरीज रजिस्टर हैज़ अ करेंट ऑफ वन ट्वेंटी मिली एम्पेयर इफ़ द लोड करेंट इज़ फोर्टी फाइव मिली एम्पेयर हाउ मच इज़ द जीनर करेंट ठीक है यहाँ पर यह है मिली एम्पेयर ठीक है मिली एम्पेयर तो यहाँ पर क्या कह रखा है इसने क्या कहा इसने तो यहाँ पर हमारे पास जो सर्किट डायग्राम हो जाएगा वो वो ऐसा होगा ये रजिस्टेंस है ठीक है यहाँ पर ये हमने जीनर डायोड बना लिया ठीक है अब ये हो गया लोड ठीक है ये सर्किट है हमारे पास ये आर एल है लोड रेजिस्टेंस ये सीरीज रेजिस्टेंस है ठीक है यहाँ पर क्या कह रहा है ये इन अ लोडेड जीनर रेगुलेटर द सीरीज़ रेजिस्टर हैज़ अ करेंट ऑफ वन ट्वेंटी मिलियम्पेयर तो यहाँ पर जो करंट फ्लो रही है वो कितनी है 120 ट्वेंटी मिली एम्पेयर ठीक है अब ये करंट आगे जाएगी यहाँ तक और यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ बन जाएगी ये आई जेड जीनर करंट और यहाँ पर बन जाएगी आई एल लोड लोड करंट ठीक है तो अब उसने क्या कहा इफ़ लोड करंट इज़ फोर्टी फाइव मिलिय तो जो ये वाली वैल्यू है हमें दे रखी है ठीक है और हमें क्या निकालनी है आई जेड निकालनी है ठीक है तो आप कैसे निकालोगे देखो आई जो यहाँ पर आई सीरीज में जो फ्लो हो रही है आई सीरीज़ आई करेंट मतलब जो करंट सीरीज़ में फ्लो हो रही है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू आई सीरीज करंट इक्वल टू आई जीनर करेंट प्लस आई लोड लोड करेंट ठीक है अब हमें लोड करेंट की वैल्यू दे रखी है और सीरीज करंट की वैल्यू दे रखी है तो आई जेड की वैल्यू निकल आएगी ठीक है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो आई सीरीज करेंट फ्लो हो रही है वो दैट इज़ इक्वल टू आई जीनर करेंट प्लस आई लोड करेंट ठीक है आई एल तो यहाँ पर आई एल की वैल्यू क्या दे रखिए फोर्टी फाइव मिली एम्पेयर और आई एस की वैल्यू दे रखिए वन ट्वेंटी मिली मिली एम्पेयर ठीक है तो आई जेड निकल जाएगी आई जेड की वैल्यू हो जाएगी आई सीरीज करेंट माइनस आई लोड करेंट ठीक है आई एल तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सेवेंटी फाइव मिली एम्पेयर तो आप वन ट्वेंटी में से फोर्टी फाइव माइनस कर दोगे सिंपल तो आंसर आ जाएगा आपका सेवेंटी फाइव मिली एम्पेयर ये क्या है मिली एम्पेयर ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ फॉरवर्ड बायस एल ई डी इज तो एल ई डी को ग्लो करने के लिए कितनी मिनिमम वोल्टेज चाहिए होती है अराउंड टू वोल्ट ठीक है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा टू वोल्ट तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा द अप्रोक्सीमेट वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ फॉरवर्ड बायज एल ई डी इज टू वोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट फ्रॉम एन अनफिल्टर्ड हाफ़ वेव रेक्टिफायर और अ फुल वेव रेक्टिफायर इज जब आप अनफिल्टर्ड कह रहे हो मतलब फिल्टर नहीं लगाओ उसके आगे रेक्टिफायर के आगे तो उसका आउटपुट हो जाएगा पलसेटिंग डी सी वोल्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट वोल्ट इज इन अ डायोड हैज अ वन वॉट पावर रेटिंग एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेटेड जीनर करेंट तो आपको इसमें करंट निकालनी है यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या दे रखी है वोल्टेज दे रखी है और पावर की वैल्यू दे रखी है हमें आई निकालनी है तो हमें पता है पावर का क्या फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू वी आई ठीक है पी की वैल्यू दे रखी है और वी की वैल्यू दे रखी है आई निकालनी है तो सिंपल निकल जाएगी तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये ठीक है तो आई हो जाएगी पी आई की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन वी तो पी हमें दे रखी है वन वॉट और वी दे रखा है ट्वेल्व वोल्ट तो इसका आंसर हो जाएगा एट्टी थ्री पॉइंट थ्री मिली एम पे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एरो ऑफ द क्रिस्टल डायोड सिंबल इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बार देन डायोड इज तो ये डायोड है हमारे पास ठीक है इसे कहते हैं हम एनोड को कहते हैं एरो और ये है बार कैथोड को कहते हैं बार ठीक है ये एनोड हो गया ये कैथोड हो गया अगर उसने कहा कि हम इफ द एरो ऑफ द क्रिस्टल डायोड सिंबल इज पॉजिटिव अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव दें और बार को नेगेटिव दें तो डायोड कौन सी कंडीशन में होगा फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में होगा ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस ठीक है इफ द एरो ऑफ द क्रिस्टल डायोड सिंबल इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बार द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस थैंक्स फॉर वॉचिंग